और टॉपिक इज नंबर सिस्टम। हमारा टॉपिक जो है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यू विल लर्न अबाउट नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, नंबर टू पोजिशनल नंबर सिस्टम, थ्री डेसिमल नंबर सिस्टम, फोर बाइनरी नंबर सिस्टम, फिफ्थ ऑक्टल नंबर सिस्टम, सिक्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट, कन्वर्ट अ नंबर्स बेस another base to decimal base, decimal base to another base, same base, some base to another base. Shortcut method for converting binary to octal, octal to binary number, binary to hexadecimal, number hexadecimal to binary number. Third, fractional numbers in binary number system. Two types of number system are one non-positional number systems and second positional number system. तो ये ओवरऑल हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। यूज सिंबल्स सच एज रोमन के अंदर अगर आप वन लिखते हैं तो वन फॉर वन, टू फॉर टू, थ्री फॉर थ्री एंड फोर फॉर फोर एंड सो ऑन। ईच सिंबल रिप्रेजेंट्स द सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजिशन इन द नंबर। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो ये वन है इसके इक्वल है, इस वन के इक्वल है, ये टू टू के इक्वल है, थ्री थ्री के इक्वल है। तो हर एक सिंबल जो है वो वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो ये नहीं देखता कि इसकी पोजीशन क्या है या इसका बिहेवियर क्या है, जस्ट वहां पर रिप्रेजेंटेशन होती है जो आपको बताया जाता है कि जी वन जो है वो इसका पर्पज क्या है। नेक्स्ट क्या है, द सिंबल्स आर सिंपली एडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। तो यहां पर हम सम कर सकते हैं, उन वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं कि इसकी टोटल क्या वैल्यूज बनेगी पर्टिकुलर नंबर की। डिफिकल्टीज में क्या होगी, देखिए रोमन जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर डिफिकल्टी क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म अरिथमेटिक विच सच ए नंबर सिस्टम। तो यहां पर इनके ऊपर हम जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सच और कैसे ये चीजें परफॉर्म होंगी। तो ये इसकी मेन डिफिकल्टी है जिसकी वजह से जो है वो नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा पोजिशनल नंबर सिस्टम को। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है, यूज ओनली अ फ्यू सिंबल्स कॉल्ड डिजिट्स। पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं और उसको हम डिजिट्स बोलते हैं। दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर। अब ये नंबर क्या करते हैं कि ये डिफरेंट सिंबल्स जो है में परफॉर्म किए जाते हैं और इसकी पोजीशन भी जो है वो नंबर सिस्टम के अंदर डिपेंड करती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम उस नंबर को आगे पीछे मूव कर देंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो पोजीशन को चेंज करने से भी वेरी करेगी। तो आप ये देख सकते हैं यहां पर एक टेबल है। तो इस टेबल के अंदर आप नंबर सिस्टम देखें, बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसकी बेस टू है, रेंज इसकी जो है वो जीरो टू वन है। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसकी बेस एट है और जीरो टू सेवन रेंज है। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस टेन है और इसकी रेंज जो है वो जीरो टू नाइन है। हेक्साडेसिमल नंबर की बेस सिक्सटीन है और इसकी जो रेंज है जीरो टू एफ, एफ इज इक्वल टू फिफ्टीन। आप नीचे देख सकते हैं नोट में कि ए इज इक्वल टू टेन, बी इज इक्वल टू इलेवन, सी इज इक्वल टू ट्वेल्व, डी इज इक्वल टू थर्टीन, ई इज इक्वल टू फोर्टीन एंड एफ इज इक्वल टू फिफ्टीन। तो यहां पर एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि जब कोई भी नंबर सिस्टम है तो जब आप उसकी बेस को याद रखेंगे कि जितनी उसकी रेंज है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसको काउंट करेंगे तो उसकी बेस होगी और रेंज जो है वो अपनी बेस से एक कम होगी। जैसे यहां पर रेंज क्या है बाइनरी के अंदर, जीरो वन, तो कितने डिजिट्स को काउंट करें तो ये टोटल टू डिजिट्स बनते हैं, तो ये इसकी बेस कहलाएगी टू और इसकी रेंज के अंदर टू से एक कम है, मीन जीरो और वन। तो जो बेस होगी रेंज हमेशा उससे एक डिजिट कम होगी। इसी तरह ऑक्टल में देखें जीरो से लेकर सेवन तक रेंज अगर काउंट करें, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल आपके पास ये एट डिजिट्स बनते हैं। तो इसकी बेस क्या होगी, एट, और इसकी रेंज जो है वो एट से एक कम है। डेसिमल में टेन है, जीरो टू नाइन इसकी रेंज है, तो रेंज के अगर टोटल नंबर्स को आप काउंट करें तो वहां पर हमारे पास टेन डिजिट्स बनते हैं और इसकी जो बेस है वो टेन होगी। हेक्साडेसिमल में ऐसे जीरो से लेकर नाइन तक डिजिट्स हैं, पर आगे ए बी सी डी ई एफ, तो एफ इज इक्वल टू फिफ्टीन नीचे मेंशन किया गया, तो जीरो से फिफ्टीन टोटल डिजिट्स कितने बनते हैं, सिक्सटीन, तो बेस इसकी सिक्सटीन होगी।
और जो इसकी रेंज है वो 0 से लेके एफ तक होगी। तो अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ए बी सी डी ई एफ को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ये आगे हम देखेंगे कि इसको आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पोजिशन नंबर सिस्टम आता है, द वैल्यूज ऑफ ई डिजिट इज डिटरमिन्ड बाय द डिजिट इटसेल्फ, सेकंड क्या है द पोजिशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, द पोजिशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, उस डिजिट की पोजिशन उस नंबर में क्या होगी, थर्ड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम की बेस क्या होगी। अगर आप बेस मेंशन नहीं करेंगे तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किस नंबर सिस्टम के साथ बिलोंग करता है। उसके बाद बेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर सिस्टम, जैसे मैंने आपको वहां पर पहले बताया कि अगर आप उसकी रेंज को काउंट कर लेंगे तो 0 to 1 था तो 2 नंबर्स आते हैं, 2 डिजिट्स आते हैं, तो आप उसकी बेस 2 होगी। अगर आउटल होगा 0 to 7 तो टोटल 8 डिजिट्स आते हैं तो उसकी वो 8 होगी। तो उसी को बताया जा रहा है बेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर सिस्टम। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया है कि जो आपके पास बेस होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस, तो बेस से एक वैल्यू उसकी कम होगी, 0 to 1 बेस 2 में एक कम है। ऑक्टल में क्या है 8 उसकी बेस है लेकिन 0 to 7 है, डेसिमल में क्या है 10 उसकी बेस है लेकिन 0 to 9 डिजिट्स है। सो नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है पोजिशनल नंबर सिस्टम है, ये एक हैज 10 सिंबल्स और डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल काउंट करें 10 बनते हैं, हेंस इट्स बेस इज इक्वल टू 10। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट इज 9, 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। Each position of a digit represents a specific power of the base 10. तो हर जो digit है उसकी जो specific power है, क्योंकि हमने base mention कर दिया 10, तो वो 10 के equal. We use this number system in our day-to-day life. Next ये एक example है जिसमें ये कहा गया है कि ये 2586 base 10 है और आपने इसको किस में convert करना है, find out हमें next चाहिए ये 10 के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यू कैन सी ये इसकी बेस है, ये डिजिट्स हैं 2586 इसके डिजिट्स हैं, बेस हमेशा आप इसको सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद ये इसको सॉल्व कैसे करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये 6 को लेंगे मल्टीप्लाई 10 जो बेस है, 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10। अब ये किसके को आपने हमेशा जो है ये एक बात नोट रखें कि राइट टू लेफ्ट लिखना है इसको, ठीक है। पहले ये वाला डिजिट ये राइट से करेंगे, फिर प्लस का सिंबल, फिर 8, फिर 5, फिर 2। तो अब जब आप इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसकी हम क्या लेंगे पावर्स, जो बेस है उसकी पावर राइट साइड से 0 से स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है, दाएं हाथ से बाएं की तरफ मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो 10 रेज पावर 0, 0 के बाद 10 रेज पावर 1, फिर 2 एंड 3, जितने भी नंबर्स आगे आते जाएंगे हम इसी तरह उसको कंटिन्यू रखेंगे। अब आपको पता है कि ये जब एक नंबर की बेस 0 होती है तो इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6, 8 मल्टीप्लाई 10 80, 5 मल्टीप्लाई 100 तो ये आएगा 500 और प्लस 2000। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद सम करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा आप उसको देख सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये उसी बेस में कन्वर्ट किया जाए, 10 to 10 बेस में कन्वर्जन है, तो इसलिए उसका आंसर भी सेम है। लेकिन प्रोसीजर सबके अंदर ऐसा ही होगा। जब आपके पास ये बात याद रखें कि जब आपके पास कोई भी बेस दी गई है और आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो डिजिट्स दिए गए हैं उसको 1 by 1 उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर राइट साइड से उसकी पावर 0 से लेके जहां तक नंबर जा रहा है उसकी पावर्स बढ़ाते जाना है, और जब उसको काउंट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। वही प्रोसीजर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डेसिमल इसकी बेस है, तो बेस को हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उस बेस की 0 से 0, 1, 2, 3 पावर्स ली गई हैं, इनको सबको सम किया गया तो जो आंसर आता है वो हमारे पास डेसिमल में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है बिट एंड बाइनरी। बिट एंड बाइनरी क्या होते हैं, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट्स,
अ बिट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स आइदर अ जीरो और अ वन। बिट क्या है कि जीरो उसकी वैल्यू हो सकती है या वन हो सकती है। जैसे एक स्विच है, जैसे एक बटन है, उसको आप ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। उसकी टू स्टेट्स ही पॉसिबल हैं, ऑन होगा या ऑफ होगा, मिड में उसका कोई भी पॉसिबल नहीं है। अ बाइनरी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ एन बिट्स इज कॉल्ड एन एन बिट नंबर। वाई बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम ही क्यों फॉलो किया जाता है? कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ सीरीज ऑफ स्विचेस, ईच स्विच हैज टू स्टेट्स ऑन और ऑफ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी टू स्टेट्स में से कोई एक स्टेट होगी ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑन एंड ऑफ भी नहीं हो सकता है, मैं यहां पर एंड क्यों नहीं लिख सका, ये क्यों नहीं लिखा, उसकी रीजन ये कि ऑन एंड ऑफ दोनों स्टेट्स नहीं हो सकती, और लिखेंगे या ऑन होगा या ऑफ होगा। ईच स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ नंबर, वन फॉर ऑन एंड जीरो फॉर ऑफ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर ये जो लाइट है, अगर ये स्विच ऑन है तो इट्स मीन कि यहां पर बिट की वैल्यू जो है वो वन होगी, वन मीन ट्रू यस और ऑन, और जीरो जो है उसका मतलब क्या है कि ऑफ फॉल्स एंड नो। बाइनरी नंबर सिस्टम अ पोजिशनल नंबर सिस्टम है, हैज ओनली टू सिंबल्स और डिजिट जीरो एंड वन, हेंस इट्स बेस इज इक्वल टू टू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज वन लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस, बेस टू है, टोटल रेंज क्या है जीरो एंड वन, तो एक बेस से कम है। Each position of a digit represents a power, specific power of the base 2. This number system is used in computers. तो हम देख सकते हैं कि ये आपके पास example में एक binary number दिया गया, अब इसको decimal में convert करना है, तो already मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप कोई भी ऐसा number जिसको decimal में convert करना चाहें, तो आपने क्या करना है, उन digits को right side से उसकी base के साथ multiply करते जाना है। तो first of all हम देखते हैं 2 multiply 1 plus, सॉरी ये रॉन्ग लिखा है, प्लस यहाँ आएगा, प्लस टू मल्टीप्लाई जीरो प्लस टू मल्टीप्लाई वन प्लस टू मल्टीप्लाई जीरो प्लस टू मल्टीप्लाई वन। तो अब इसकी इस टू बेस टू है, तो बेस टू की जो पावर्स हैं वो जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर राइट टू लेफ्ट, उसके बाद इसको सम कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास डेसिमल में आएगा। ठीक है जी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमने की है, इसको देखा है। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिक अबाउट विच नंबर सिस्टम वी आर रेफरिंग टू इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू इंडिकेट द बेस एज अ सबस्क्रिप्ट दस वी राइट सोन। तो यहां पर यह बताया जाता है कि जब आपने जब कन्वर्जन कर लिया है किसी भी नंबर से, तो आपने जब उसकी पावर को उसकी बेस को लिखना है, तो बेस आपने हमेशा सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखना है। ये सबस्क्रिप्ट फॉर्म है, जैसे ये डिजिट्स नॉर्मल लिखे गए, ये टू जो है ये सबस्क्रिप्ट फॉर्म में है। इसमें 21 है, इसकी बेस 10 है, तो ये सबस्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे जो उसकी बेस को रिप्रेजेंट करेगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम अ पोजिशनल नंबर सिस्टम है, हैज टोटल 8 सिंबल्स और डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7, हेंस इट्स बेस इज इक्वल टू 8। The maximum value of a single digit is 7, one less than the value of the base. ये already discuss हम कर चुके हैं। Each position of a digit represent a specific specific power of the base 8. Since there are only 8 digits, 3 bits are sufficient to represent any octal number in binary. हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2057 बेस 8 इज इक्वल टू बेस 10। तो बेस 10 में हमने इसको कन्वर्ट करना है, प्रोसीजर वही है, आप इसकी बेस के साथ डिजिट्स को वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पावर्स लेंगे बेस की 0 1 2 3 सोन, और उसके बाद सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास डेसिमल में आएगा। तो इस तरह से आप ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं, प्रोसीजर सब में वही है। Hexadecimal number system, a positional number system है, has total 16 symbols or digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Hence, its base is equal to 16. The symbols A, B, C, D, E, and F represent the decimal values 10, 11, 12, 13, 14, and 15 respectively. The maximum value of a single digit is 15, one less than the value of the base.
Each position of a digit represents a specific power of the base 16. Since there are only 16 digits, 4 bits, 2 raised to power 4 is equal to 16 are sufficient to represent any hexadecimal number in binary. Hexadecimal number system. Example इसमें दी गई है 1AF base 16 is equal to 10. तो decimal में convert करना है तो मैंने पहले आपको बताया कि decimal में convert करने के लिए क्या कुछ digits को आप base के साथ multiply करें और फिर 10 उस base की powers लें right to left 0, 1, 2, so on और उसके बाद sum कर देंगे तो आपके पास जो answer आएगा वो base 10 में आएगा. तो F multiply 16 plus A मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 16. तो आप देख सकते हैं कि यहां पर F को ऐसे तो नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर हम यहां पर डिजिट्स को यूज करेंगे इन लेटर्स की जगह पर. तो 16 मल्टीप्लाई 15, 16 रेज़ टू पावर 0 है इसलिए 1 आ गया. 1 मल्टीप्लाई 15 प्लस 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 256 मल्टीप्लाई 1. अब a की वैल्यू 10 हमने लिख दी है, f की वैल्यू 15 लिख दी है और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा उसको 431 बेस 10 सबसेक्रेट फॉर्म में लिख देंगे. तो इस तरह से आप इसकी हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्टिंग अ नंबर ऑफ अनदर बेस टू अ डेसिमल नंबर. मेथड क्या होगा? स्टेप 1, डिटरमाइन द कॉलम पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. Multiply the obtained column values by the digit in the corresponding columns. 3. Calculate the sum of these products. अब देखते हैं हम, ये हमारे पास एक नंबर दिया गया 4706 base 8, इसको decimal में convert करना है. तो already हम देख चुके हैं octal को. तो यहाँ पर क्या है जी, 6 multiply 8 plus 0 multiply 8 plus 7 multiply 8 plus 4 multiply 8. और इसकी पावर्स लेंगे बेस की 0, 1, 2, 3. तो इसको जो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये कॉमन वैल्यूज हैं. उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, सम करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा तो आप देख सकते हैं कि वो 2502 बेस 10 है. किसके इक्वल? 4706 बेस 8 है इज इक्वल टू 2502 बेस 10. तो प्रोसीजर सारा वही है जैसे इसके डिजिट्स को आपने बेस के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और बेस की नेक्स्ट फिर राइट टू लेफ्ट, अगेन रिपीट कर रहा हूं, राइट टू लेफ्ट आपने पावर्स लेनी है और उसके बाद इसको अपने जो आंसर आएगा उसको सम कर लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा. इसके बाद कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू अ नंबर ऑफ अनदर बेस. डिवीजन रिमाइंडर मेथड के साथ कैसे कर सकते हैं? स्टेप 1 क्या, डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस. स्टेप 2, रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज द राइट मोस्ट डिजिट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर. 3, डिवाइड द कोशेंट ऑफ द प्रीवियस डिवाइड बाय द न्यू बेस. स्टेप 4, रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 3 एज द नेक्स्ट डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द न्यू बेस नंबर. Repeat step 3 and 4, recording remainders from right to left until the quotient becomes 0 in step 3. Note that the last remainder thus obtained will be the most significant digit of the new base number. So, you can see that we have a number given. 95 base 10 is equal to 8. So, you can see this. नॉर्मल मेथड के साथ जो नॉर्मली हम जिस तरह से उसकी कन्वर्जन करना चाहते हैं हम उसको देखते हैं. तो यहां पर क्या होता है, आपने जो नंबर दिया गया है और जिस बेस में उसको कन्वर्ट करना है उसके ऊपर उसको डिवाइड कर. देखिए यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन का 9528. अब ये आप देखते हैं कि 8 को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 952 के इक्वल आती है या उससे कम है. तो कोशेंट और रिमाइंडर, ठीक है, जैसे आप इसको, इसका इजी वे क्या है कि आप 8 को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके देखें, जो इसके नजदीक तीन वैल्यू हो वहां पर आप उसको एज अ कोशेंट लेंगे. उसको तो 119 जो है एज अ कोशेंट है और इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0. 8 को अगर 119 के साथ मल्टीप्लाई करें
तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, जीरो, इट्स मीन 952। अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई है, 119। अब आपने देखने 8 को किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो 119 के इक्वल हो और वो क्वोशेंट कहलाएगा, तो 14 मल्टीप्लाई 8 करें तो वो क्या कहलाएगा, 112। और रिमाइंडर में आपके पास क्या आ जाएगा, 7। यहां पर आप देखते हैं 14 पे डिवाइड करें तो 7 जो है हमारे पास रिमाइंडर है। उसके बाद 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, इस पे नहीं वो डिवाइड किया जा सकता, तो 8 को 1 के साथ अगर आप करें तो 8 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब फर्दर इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम क्या इसका आंसर लिखते हैं कि यहां पर आंसर जो आपने मूव करना है 1670। तो जब मूव करेंगे तो बॉटम से अपवर्ड की तरफ आप मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट एंड अपवर्ड, तो 1670 जो है वो आंसर होगा जो आपके पास ऑक्टल फॉर्म के अंदर आएगा। और एक बात याद आपने रखनी है कि यहां पर आपने बेस दोनों तरफ मेंशन लाजमी करनी है, जिस बेस से आप जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों साइड से वो मेंशन करें। ये हमारे पास रिमाइंडर्स हैं और ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन जो रिमाइंडर आएगा हम उसको यूज करेंगे, लास्ट वाले रिमाइंडर से लास्ट क्वेश्चन और बाकी रिमाइंडर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्टिंग नंबर फ्रॉम सम बेस टू अ नंबर ऑफ अनदर बेस, कन्वर्ट द ओरिजिनल नंबर टू अ डेसिमल नंबर बेस 10, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सो ऑब्टेन्ड टू द न्यू बेस नंबर। ये हमारे पास एक बेस है 6 और इसको हमने 4 में कन्वर्ट करना है, तो अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बेस जो है डिस्कस की गई थी बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम दी गई है कि ये हमारे पास बेस जो है वो 6 में है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डिजिट्स जो है वो 6 से एक कम ही हैं, तो 4 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मेथड क्या होगा, स्टेप 1, कन्वर्ट फ्रॉम बेस 6 टू बेस 10। जब आपके पास टू डिफरेंट बेसिस हों डेसिमल के अलावा, एक बात याद रखें, जब आपके पास राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऊपर दोनों बेसिस डिफरेंट हैं और वो 10 बेस के अलावा हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि लेफ्ट वाली को पहले 10 में, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप 1 क्या, कन्वर्ट फ्रॉम बेस 6 टू बेस 10। वो मैंने प्रोसीजर ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि आप उसकी बेस को डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट पावर करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो डेसिमल में होगा। कोई भी बेस हो उन डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो डेसिमल में होगा। आप देख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5, 6 रेज पावर 0, 1, 2। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया सम करने के बाद वो उसका डेसिमल के अंदर आंसर होगा। डेसिमल में आंसर आ गया, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको बेस 4 के अंदर हम उसका कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिहाजा आप 209 को आप 4 के ऊपर 1/1 डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो डेसिमल है देन उसको आप जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उसके ऊपर डिवाइड कर दें। सॉल्यूशन क्या है, ये 209 4 को करें 52 के साथ तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 1, फिर 13 से रिमाइंडर 0, फिर 3 से रिमाइंडर 1। अब फर्दर आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो लिहाजा लास्ट वाला क्वेश्चंट और बाकी रिमाइंडर्स, तो यहां आप देख सकते हैं 3 1, फिर अपवर्ड 3101 बेस 4, ये इसका आंसर होगा। पहले क्या हुआ था, 209 बेस 10 था, उसने 3101 बेस 4 में किया, लेकिन उससे पहले स्टेप 3 हुए, 545 बेस 6 हमने दी हुई थी, फाइंड आउट किस में करना था, बेस 4 में, लेकिन उससे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना जरूरी था, उसके बगैर वहां पर सॉ कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए 209 बेस 10 किया, फिर उसके बाद बेस जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस नंबर पर डिवाइड करके 3101 बेस 4, तो सो आंसर इज 545 बेस 6 इज इक्वल टू 3101 बेस 4, ये हमारा आंसर होगा। अगर बेस मेंशन नहीं करेंगे तो आंसर जो है वो करेक्ट कंसिडर नहीं किया जाता। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास है नॉर्मल मेथड। कुछ ऐसे मेथड हैं कुछ कन्वर्जन के अंदर जो हम स्पीड के साथ परफॉर्म करना चाहते हैं,
तो उसके अंदर हम उसको फिर शॉर्टकट मेथड को यूज करते हैं ताकि ये जो टास्क है, जो कन्वर्जन है, आप उसको स्पीड के साथ परफॉर्म कर सकें और उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है नॉर्मल मेथड के साथ परफॉर्म करके। तो मेथड क्या है, डिवाइड द डिजिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ थ्री स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। स्टेप वन क्या है कि आपके पास जो डिजिट्स हैं आप उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लें फ्रॉम द राइट। स्टेप टू, राइट द बिट वैल्यूज 1, 2, 4 ओवर ईच पेयर ऑफ बाइनरी डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो आपने पेयर बनाए हैं, हर पेयर के ऊपर आपने राइट साइड से क्या करना है, पेयर पे लिखना शुरू कर देना है 1, 2, 4। वो भी हम आगे दिखाते हैं आपको कि कैसे होगा। स्टेप थ्री, सम बिट वैल्यूज ऑफ ईच पेयर वेयर बाइनरी डिजिट वैल्यूज आर 1 ओन। स्टेप फोर, राइट एडिट वैल्यूज ऑफ ईच पेयर इंडिविजुअली। लो अब हम देखते हैं कि ये कैसे जो है वो परफॉर्म हुआ। तो ये हमारे पास एक बाइनरी डिजिट है 0101011 base 2 = 8 में इसको कन्वर्ट करना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो अब आपके पास यहां देख सकते हैं कितने डिजिट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स हैं। हमने लास्ट टाइम देखा है कि वो ये कह रहा है कि जी यहां पर आपने थ्री ग्रुप्स डिजिट्स इंटू थ्री स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। हर डिजिट्स को क्या करना है, यहां पर थ्री थ्री डिजिट्स का ग्रुप बना लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिवाइड द बाइनरी इंटू इंटू ग्रुप्स ऑफ थ्री स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। तो ये हमारे पास थे 010, ये एक हमने पेयर बना लिया। तो उसके बाद 101 101 बना लिया, ये लास्ट पे 1 बचता है, उसके साथ आप उसका पेयर कंप्लीट करने के लिए 2 जीरो खुद ऐड कर देंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास थ्री पेयर बन गए, आप देख सकते हैं 010 101 एंड 100। ये अंडरलाइन किए हुए आप इसको इजीली देख सकते हैं कि थ्री पेयर बन गए। अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, राइट द बिट वैल्यूज 1, 2, 4 ओवर ईच पेयर ऑफ बाइनरी डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट साइड से आपने क्या करना है, हर एक पेयर के ऊपर वैल्यूज 1, 2, 4 लिखनी है। अब देख सकते हैं कि ये 010 है, ये जो 010 था यहां पर है 010, इसके ऊपर बिट वैल्यूज क्या लिख दी, इसकी बिट की वैल्यू 1, 2, 4 राइट टू लेफ्ट हमने 1, 2, 4 लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पेयर क्या है 101, इसके ऊपर भी आपने राइट टू लेफ्ट 1, 2, 4 लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 100, तो 100 वाले पेयर के ऊपर भी आपने 1, 2, 4 डिजिट्स को एज इट इज लिख दिया। अभी हमारे पास थ्री पेयर्स बन गए थे और उन थ्री पेयर्स के ऊपर राइट टू लेफ्ट हर एक के ऊपर हमने 1, 2, 4 वैल्यूज को लिख दिए। अब हमने देखना है कि इनमें से वैल्यूज ऑन कौन सी हैं, कौन सी बिट्स ऑन हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 2 वाली बिट ऑन है, इसमें 1 और 4 वाली बिट ऑन है, इसमें 1 वाली बिट ऑन है। आप ये देखिए 2 वाली बिट ऑन है, 1 वाली है, 4 वाली है और 1 वाली बिट। जो बिट्स ऑन है उसके ऊपर वाला जो नंबर है वो हमने इसके इक्वल लिखना है। जैसे यहां पर 2 है, इधर 4 और 1 2 बिट्स ऑन है तो इनको सम कर लेंगे। अगर ये 2 बिट्स ऑन होंगी तो इसके ऊपर वाली वैल्यूज जो हैं ऑन बिट्स वाली वैल्यूज उसको सम करेंगे। ये 1 है और ये 4 है, 1 + 4 = 5। तो यहाँ 1, 4 है, यहां पर 1 है। आप ये पूरे पेयर की आंसर क्या आएगा 2, इस पूरे का पेयर का आंसर क्या आएगा 5, इसका क्या आंसर आएगा 1। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनके आंसर जो है यहां पर आ गए हैं। तो स्टेप थ्री क्या है, सम बिट वैल्यूज ऑफ ईच पेयर वेयर बाइनरी डिजिट वैल्यूज आर 1 + 5 + 2 हेंस 110 101 0 base 2 = 152। 1 सेपरेट है, 5 सेपरेट है और 2 सेपरेट है, 152 base 8 जो है वो इसका आंसर होगा। इसको एक्चुअली हम सम नहीं करेंगे, कंबाइन करेंगे, हम इनको नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे, इसमें ये जो डिस्टेंस है इसको खत्म करके लिख देंगे। तो ये हमारा यूजिंग शॉर्टकट मेथड जो है वो ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन होगी। तो डेसिमल में आप नॉर्मल मेथड में आपने देखा था कि पहले हम इसको जो है वो डेसिमल में करते हैं, फिर डेसिमल के बाद 8 पे डिवाइड करेंगे, फिर ये नंबर आएगा तो देन। लेकिन शॉर्टकट मेथड को आप इस तरह से स्पीड के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड के साथ बाइनरी टू डेसिमल नंबर, राइट द बिट वैल्यूज 1, 2, 4 ओवर ईच पेयर ऑफ बाइनरी डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो स्टेप थ्री ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। स्टेप फोर, राइट एडिट वैल्यूज ऑफ ईच पेयर इंडिविजुअली। लेट्स सी,
ये हमारे पास बेस दी गई है टू, और अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो आप एक बात याद रखें कि शॉर्टकट मेथड में वहां एक जो बेस है, जो डेसिमल बेस है, उसके लिए कोई पार्ट्स नहीं बनाए जाते, ना नंबर्स को डिवाइड किया जाता है। उसके लिए जितने भी डिजिट्स हैं उतनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी और उनके ऊपर कंटिन्यूसली उतनी ही वैल्यूज बिट्स की लिख दी जाएंगी। लेट्स सी, यहां पर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 बिट्स हम बनाएंगे और उन 9 बिट्स के अंदर जो ये वाली वैल्यूज को पुट कर देंगे और राइट साइड से 1 2 4 लिखना शुरू कर देंगे। अब ये देखें कि हमने क्या किया, इतनी बिट्स की वैल्यूज थी 0 1 0 1 0 1 1 1 0, ये एज इट इज हमने बिट्स के अंदर ये डिजिट्स लिख दिए। अब हमने इन बिट की वैल्यूज ऊपर लिखनी है, तो वो राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे और 1 से स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे 1, फिर 1 के बाद अगर 1 का डबल कर लिया जाए तो 2 नेक्स्ट बिट की वैल्यू बन जाएगी, 2 का डबल कर लिया जाए 4 नेक्स्ट बिट की वैल्यू है, 4 को 4 के साथ सम करें तो 8, 8 के साथ सम करें तो 16, 16 को 16 के साथ करें 32, 64, 128 एंड 256। अगर आगे फर्दर और बिट्स होती तो हम 256 प्लस 256 करते तो आगे वो 512 बिट की वैल्यू बन जाती। अभी हमारे पास इतनी है, तो हमने इन बिट्स की वैल्यूज को डेसिमल के लिए कोई पेयर नहीं बनाया और इसको एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर जो बिट की वैल्यूज ऑन है, हम उनको उनकी वैल्यूज को लेंगे। ये बिट ऑन है तो इसके ऊपर वैल्यू क्या है 2, ये बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू क्या है 8, ये बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू क्या है 32, ये बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू क्या है 64, ये बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू क्या है 128। तो इन बिट्स को ये देखें, इसके अंदर टिक आ रहा है ये बिट्स ऑन है, सिर्फ वो बिट्स जो ऑन होंगी हम सिर्फ हमेशा उनकी वैल्यूज को ही कैलकुलेट करेंगे। अब ये हमारे पास 2 8 32 64 128 आ गया, इस सारे को सम किया तो हमारे पास 234 आंसर आएगा और यही इसका आंसर होगा कि आपने इन सब वैल्यूज को इकट्ठा सम कर लिया और जो आंसर हुआ कंबाइन करने के बाद, सम करने के बाद, वो 234 base 10। तो इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड को यूज करते हुए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जो है वो स्पीड के साथ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने लिखा है जी कि 4 डिजिट्स में, ऑक्टल के अंदर 3 था, यहां पर 4 है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा मैं अभी आपको बताता हूं। नेक्स्ट, तो राइट द बिट वैल्यूज 1 2 4 8 ओवर ईच पेयर ऑफ बाइनरी डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कंबाइन ईच ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स टू 1 हेक्साडेसिमल डिजिट, सम बिट वैल्यूज ऑफ ईच पेयर वेयर बाइनरी डिजिट्स वैल्यूज आर 1, राइट एडिट वैल्यूज ऑफ ईच पेयर इंडिविजुअली। तो अब इस चीज को हम देखते हैं कि ये हमारे पास, अब इसको कहा गया ये हेक्साडेसिमल में करना तो 4 पेयर्स ले। रीजन ये होती है कि जब 3 बिट्स लेते हैं और उन 3 बिट्स को ऑक्टल के अंदर सबको ऑन कर दें तो उसकी वैल्यू टोटल जो बनती है वो 7 बनती है, जैसे 1 2 4। लेट्स सी, मैं अगर आप इसको यहां पर ये दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये 1 2 4 है, 1 भी बिट ऑन हो, 2 वाली बिट भी ऑन हो, 4 वाली बिट भी ऑन हो, तो इन तीनों को फिर सम करना पड़ेगा। सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। तो 7 जो है वो ऑक्टल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए हम कहते हैं कि 7 से ज्यादा बिट्स ले नहीं सकते। अगर 7 से नेक्स्ट वाली बिट लेंगे तो उसकी वैल्यू 8 आएगी, जो कि ऑक्टल के लिए आउट ऑफ रेंज हो जाती है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने 3 3 का पेयर बनाया। अब हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास जो रेंज है वो होती है 15 के इक्वल, ठीक है जी। तो 15 के लिए हमारे पास नंबर ऑफ 4 बिट्स है, 4 बिट्स के ऊपर फिर राइट टू लेफ्ट 1 2 4 करेंगे। तो यहां पर 1 0 1 1 ये एक पेयर बनता है, 1 1 और रिमेनिंग 0 0, क्योंकि उस पेयर को कंप्लीट करने के लिए हमने सिर्फ 0 ऐड कर लिया, उसका इफेक्ट कोई भी नहीं होगा। अब ये देखें ये 4 बिट्स हैं, हमने क्या किया कि इन दो पेयर के ऊपर 1 2 4 8 1 2 4 8 लिख दिए। अगर ये वाली बिट भी ऑन होती तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जानी थी, 1 + 2 + 4 + 8 = 15। अब 8 के बाद नेक्स्ट बिट की वैल्यू क्या है 16, तो हम 16 जो है वो हेक्साडेसिमल की रेंज से बाहर है, बेस 16 है लेकिन रेंज जो है वो 0 से लेके F तक, मीन 0 से 15 तक है।
तो हम 16 को नहीं ले सकते, इसलिए हमने नंबर ऑफ 4 बिट्स को यूज किया, 5 को नहीं कर सकते। तो ऑक्टल के अंदर 3 बिट्स का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर फोर्थ बिट 8 आ जाती है, तो वो फिर उसकी रेंज से बाहर हो जाएगा। और हेक्सा के अंदर हम नंबर ऑफ 4 बिट्स लेंगे, 5th इसे ले सकते हैं क्योंकि वो 16 हो जाता है, तो इसलिए हम यहां पर इसको 16 नहीं ले सकते। इसी तरह दूसरे पेयर को भी हमने 1100 एज इट इज उसकी वैल्यूज हैं, और उस पर 1 2 4 लिख दिया। अब जो बिट्स ऑन हैं हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उसके वैल्यूज जो ऊपर वैल्यूज हैं ग्रीन कलर के अंदर जो लिखी गई हैं 1 4 8, ये वो वाली बिट्स की वैल्यूज हैं जो बिट्स ऑन हैं। उसके बाद 1 और 2, अब इनको सम करें तो 13 आएगा, लेकिन 13 इज इक्वल टू डी है और यहाँ पर 3 आएगा, तो हम आंसर जो लिखेंगे वो 3D111101 बेस 2 इज इक्वल टू 3D16। हमेशा याद रखेंगे जब हेक्साडेसिमल के अंदर डिजिट्स को आप यूज करेंगे तो वो जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन यूज करेंगे। जहां पर ABCDEF आता है तो फाइनल उसका आंसर लिखते हुए रिप्रेजेंट करते हुए आप उसके अल्फाबेट्स को ही लिखेंगे। वहां पर अगर आप यहां पर लिख देते 313 base 6 तो ये गलत था, तो आपने वहां पर 13 जो इसके इक्वल है वो लिखना है 3D base 16। जी नेक्स्ट हम वो करते हैं शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग ऑन ऑक्टल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी। अब यहां पर हमारे पास जो है वो एक ऑक्टल नंबर दिया गया, पहले बाइनरी दिया गया था ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, अब ऑक्टल दिया गया तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसके हर एक डिजिट को सेपरेट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू अ 3-डिजिट बाइनरी नंबर, द ऑक्टल बाइनरी मे बी ट्रीटेड एज डेसिमल फॉर दिस कन्वर्जन। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, 3 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड करेंगे। देखें 5 6 2 base 8 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले यहां 3 डिजिट तो हमने लिया था जब बाइनरी में था, जब ऑक्टल में आएगा तो क्योंकि ये नंबर जो है ये वाला डिजिट 2 ये हमने 3 बिट्स के अंदर लेना है, कि 3 बिट्स की कौन कौन सी वैल्यूज को आप ऑन करेंगे कि 2 बन जाएगा। इसी तरह फिर 6 है फिर 2 है, लेट्स सी ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक 2 है, ये हमारे पास 6 है और ये 5, ये हमारे पास टोटल 3 नंबर्स हैं। अब ये 2 को आपने इक्वल करना है इन 3 बिट्स के, तो 3 बिट्स आपने ली हैं उसके ऊपर 1 2 4 लिख दिए। अब इसमें से कौन सी वैल्यू ऑन करें कि वो इसके 2 के इक्वल हो जाए, तो यहां पर जस्ट 2 है और इधर भी 2 है, तो इस बिट को ऑन किया, रिमाइंडर बिट्स को आपने रिमेनिंग बिट्स को आपने 0 कर दिया, तो ये क्या हो गया 2 के इक्वल। अब ये 6 आएगा नेक्स्ट, यहां पर भी 3 बिट्स का पेयर बनेगा 1 2 4, आपने ये वैल्यू हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखने का स्टैंडर्ड है, राइट टू लेफ्ट 1 2 4। अब यहां पर कौन सी बिट्स को आपने ये 2 4 1 में से सम करें या ऑन करें कि वो वाली जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि 4 वाली बिट को ऑन कर दें और 2 वाली बिट को ऑन कर दें, तो 4 + 2 = 6 होता है, 1 वाली बिट को फिर आपने 0 कर दी। इसी तरह कौन सी बिट्स को ऑन करें कि ये 5 के इक्वल हो, तो यहां पर क्या है कि 4 और 1 वाली बिट को ऑन करें तो 4 + 1 = 5 होता है, और रिमाइंडर 2 जो है उस वाली बिट को आपने 0 कर दी है, ऑफ कर दी है। तो इसलिए जो बिट्स ऑन होंगे उनकी वैल्यूज को देखें, तो ये सबसे वाले पेयर में से 2 इस पेयर के इक्वल बन रहा है, यहां से 6 4 + 2 ये वाली बिट्स को ऑन करने से बन रहा है, और रिमाइंडिंग 5 जो है वो 4 और 1 वाली बिट को ऑन करने से बन रहा है। अब हमने इसमें क्या करना है कि ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इनको इस तरतीब के साथ लिख देना है, जस्ट आपने ये डिस्टेंस जो है कम करना है, और इसकी कन्वर्जन को हम कहते हैं बाइनरी कन्वर्जन। ये देखें आप इसमें क्या है, 010 011 और 101, आप इसको कंबाइन करके लिख देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 010011101, और ये इसका आंसर है, कंबाइन ऑल द रिजल्टिंग बाइनरी ग्रुप्स, और ये इसको आप इस फॉर्मेट में। तो शॉर्टकट मेथड को मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूं कि जब आप डिजिट्स आएंगे तो इसके अगेंस्ट आपने 3 बिट्स बनानी है, और 3 बिट्स को बनाने के बाद वो वाली बिट ऑन करनी है जो इन डिजिट्स के साथ इंडिविजुअली पूरी हो जाए, कुछ बिट्स को सम करने से या अकेली वाली को बिट की वैल्यूज के इक्वल है तो उन बिट्स को सिलेक्ट करेंगे,
फिर उसको इंडिविजुअली लिखेंगे और उसके बाद हम सबको कंबाइन कर देंगे, सम नहीं करेंगे कंबाइन कर देंगे, तो रिजल्ट जो है वो बाइनरी के अंदर आंसर आ जाएगा यूजिंग शॉर्टकट मेथड। उसके बाद हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो आप सिंपली यहां पर डिटेल लिखिए, हेक्साडेसिमल में फोर सेपरेट डिजिट्स होते हैं, ठीक है, फोर सेपरेट जितने भी डिजिट्स होंगे उसको आपने फोर फोर के बिट्स के पेयर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देना। अब यहां देख सकते हैं 2AB बेस 16 इज इक्वल टू बेस 2, तो B को भी आप फोर पेयर में लेंगे, A को भी और 2 को भी, तो B को आप यहां से देख सकते हैं B A 2, B के लिए आपने 1 2 4 8 ये फोर बिट्स ली। अब B इज इक्वल टू 11 है, अब कौन सी बिट्स को ऑन करेंगे कि उसकी वैल्यू जो है वो 11 के इक्वल हो जाए। तो सबसे इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जो हाईएस्ट नंबर आपके पास एग्जिस्ट करता है उस पेयर के अंदर, उस सबसे पहले उसको उसके साथ माइनस कर ले। तो यहां पर 11 है, 11 में से 8 वाली बिट को आपने ऑन कर दिया तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच जाएगा, 3, ठीक है जी। अब 3 यहां पर कोई बिट नहीं है, हाँ 2 इसके नजदीक 3 है, तो 2 वाली बिट को ऑन कर दें, रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया, 1, तो फिर 1 वाली बिट को ऑन कर दें और रिमेनिंग बिट्स को 0 कर दें, तो ये आपके पास 13 हो जाएगा। इसी तरह A इज इक्वल टू 10 है, तो यहां पर देखें सबसे पहले 10 के नजदीक तरीन कौन सी बिट्स की वैल्यू है, 8, 8 वाली बिट को ऑन कर दिया, रिमेनिंग आपके पास 2 बचता है, तो 2 वाली बिट है तो उसको भी ऑन कर दिया और रिमेनिंग बिट्स को 0 कर दिया। ये 2 में हमारे पास 2 वाली बिट इसके इक्वल है, उसको ऑन कर दिया, रिमेनिंग हमने 0 कर दिया। अब इनको जो बिट्स ऑन है इनको सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद ये जितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं, ये ऊपर जो सिलेक्शन हमने की है इसलिए किया है ताकि हम ये काउंट करके वेरीफाई कर सके कि ये बी के इक्वल ही नंबर बनता है। तो जब आपने लिखना है तो ये आपने सारी ऑन या ऑफ जितनी बिट्स की वैल्यूज हैं वो सारी लिखनी है, इस पेयर में भी और इस पेयर में भी, फिर इसको आपने कंबाइन कर देना है और जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास बाइनरी की फॉर्म में आ जाएगा, 2AB base 16 इज इक्वल टू 0010010011 base 2। वेरी सिंपल, इसमें कोई क्यूरी हो तो आप फर्दर पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स, पॉइंट जिसके अंदर आता है कि वो अगर ऐसे नंबर्स हमारे पास आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फ्रैक्शन नंबर्स आर फॉर्म्ड सेम वे एज डेसिमल नंबर सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर इन बाइनरी नंबर सिस्टम एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या है, बिल्कुल इसको डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह ही सॉल्व करते हैं, लेकिन जब बाइनरी के दिया जाए तो उसकी उसके अंदर किस तरह से फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल में क्या आप देख सकते हैं, ये हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, पोजीशंस क्या है इसकी, ये पॉइंट है 0 1 2 3 4, और राइट साइड पे पहले हम क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट उसकी पावर लेते थे। अब हमने क्या किया है, जो पावर की राइट साइड है वो -1 -2 -3 -4 सो ऑन, और जो लेफ्ट साइड है पॉइंट से वो 0 1 2 3 4। पोजिशन वैल्यूज जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी बेस 2 थी, तो अब हमने क्या 2 रेस्ट पावर 0 2 रेस्ट पावर 1 2 रेस्ट पावर 2 2 रेस्ट पावर 3 2 रेस्ट पावर 4, और पॉइंट से राइट साइड जो है उसको हमने क्या कर दिया 2 रेस्ट पावर -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है जी। तो आप इस 2 को बेस कंसिडर करेंगे और ये हमारे पास पावर है। अब इसको सॉल्व करें, 2 रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1 2 रेस्ट पावर 1 इज इक्वल टू 2 2 रेस्ट पावर 2 इज इक्वल टू 4 8 एंड 16। पॉइंट से इधर जो आएगा तो इसमें 1 ओवर 2 1 ओवर 4। इसका सिंपल वे ये है कि आप याद करने के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 रेस्ट टू पावर -1, तो ये क्या होगा, 2 रेस्ट पावर -1 है, तो आपने इसकी पावर देखे 1 है, ठीक है, तो आप इसको 1 ओवर 2 लिख दें, 2 रेस्ट पावर 2 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 4, आप इसको 1 ओवर 4 लिख दें, 2 रेस्ट पावर 3 8 आएगा तो आप इसको 1 ओवर 8 लिख दें, 2 रेस्ट पावर -4 है, तो आप जब इसको कंसीडर ना करें कि ये माइनस है, ये जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूं, तो आप इसको 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स, और जो आंसर है उसको 1 ओवर 16 लिख दें। उसके बाद आप इसको राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट है, लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट है, इसको सम करने के बाद आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्जन है, हमारे पास एक नंबर दिया गया है 101 101 101 101 base 2, तो आप इसको कैसे करेंगे, राइट साइड पॉइंट की राइट साइड, जो पॉइंट की राइट साइड है वो आप देखें, इसमें आपके पास दो पोर्शन बनेंगे, एक ये वाला
और एक ये पोर्शन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेस है, ये राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये 101, ये आपके पास जितना पोर्शन है ये राइट टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट है, और जो आपके पास ये वाला पोर्शन है ये लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है। तो ये पॉइंट की जगह पर आपने क्या लगा दिया, प्लस का साइन, ठीक है जी। और राइट और लेफ्ट आपने इसको खुद डिफरेंशिएट कर लिया। तो यहां पर जो लेफ्ट साइड होगी वहां पावर्स टू रेस पावर 0, 1, 2, सो, और जो पॉइंट की राइट साइड थी वहां पर टू रेस पावर -1, -2, -3। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये प्लस का सिंबल यहां पर आ गया, यहां पर अब हम यूज करेंगे ये 0, उसके बाद 2 रेज टू पावर 1, 2 आएगा, 2 रेज पावर 2 = 4, 0 + 2 + 4। और ये प्लस को निकाल के इधर राइट साइड जो है 0.5 + 0 + 0.125, और ये बीच में प्लस का सिंबल एज इट इज आएगा। इस सारे को सम कर लें तो आपके पास 6.625 base 10 आंसर आएगा। तो फ्रैक्शनल नंबर्स को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जब बाइनरी के अंदर दिया गया हो, उसमें दो पोर्शन है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, दो पोर्शन है, एक पॉइंट की राइट साइड है और एक पॉइंट की लेफ्ट साइड है। राइट साइड की जो पावर्स हैं आपने लेफ्ट टू राइट मूव करनी है, और जो पॉइंट की लेफ्ट साइड है उसकी पावर जो है बेस की आपने राइट टू लेफ्ट करनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये पावर जो है वो -1, -2, -3 पॉइंट की साथ ही लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, और ये वाली जो है ये पॉइंट से राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। और जो आंसर आएगा आप उसको सारे को सम करके एज इट इज डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन नंबर्स के अंदर, फ्रैक्शन नंबर्स आर फॉर्म सेम वे एज डेसिमल नंबर सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम। एग्जाम्पल रिपोजिशन है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा वे आता है, कोई ऑक्टल है, तो फिर कैसे करेंगे। पहले हमने बाइनरी को देखा, ऑक्टल ऑक्टल का प्रोसीजर भी वही है, जस्ट यहां पर बेस चेंज की गई है कि 8 बेस है और ये 8 की पावर जो है वो 0, 1, 2, 3, और यहां पर -1, -2, -3। ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि पॉइंट की जो राइट साइड है वहां पर हम जो पावर देंगे वो लेफ्ट टू राइट होगी, और पॉइंट की जो लेफ्ट साइड है वहां पर जो पावर देंगे बेस की वो राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। इस बात को आपने याद रखना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको कैलकुलेट किया तो ये इसका 1/864/512, और यहां पर 1/8, 1/64 एंड 1/512। इस सारे को आप यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक ऑक्टल की एग्जांपल है। आप इसको देख सकते हैं कि ये जो 4 और 5 है ये राइट साइड है, और ये आपके पास 7, 2 और 1 जो है वो लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड की आप जो पावर ले रहे हैं बेस की वो 0, 1, 2 से है, यहाँ पर -1, -2 है। आप इसको जो है वो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, उसके बाद सम कर लें इकट्ठा, और उसके बाद जो आंसर आएगा तो वो हमारे पास डेसिमल के अंदर आंसर आ जाए। क्योंकि यही प्रोसीजर हम पहले करते हैं कि जब पॉइंट नहीं होता तो उसकी बेस के साथ उसको डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर जो हमारे पास आता है वो डेसिमल में आता है। यहां पर भी वही प्रोसीजर, जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है वो आपको बताया जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर अरिथमेटिक। कंप्यूटर में कुछ कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एक्सेट्रा वगैरह की जाती है, वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि रीजंस फॉर यूजिंग बाइनरी इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर्स, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजिंग बाइनरी नंबर्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सो। बाइनरी ओवर डेसिमल इंफॉर्मेशन इज हैंडल्ड इन अ कंप्यूटर बाय इलेक्ट्रॉनिक स्लैश इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑपरेट इन बाइनरी मोड कैन ओनली इंडिकेट टू स्टेट्स 1 और 0। तो ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि बाइनरी जो है वो कंप्यूटर बाइनरी नंबर को कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड करता है, तो उसकी 2 स्टेट्स हैं 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1 एंड इज सुटेबल फॉर एक्सप्रेसिंग 2 पॉसिबल स्टेट्स। इन बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर सर्किट्स ओनली हैव टू हैंडल 2 बाइनरी डिजिट्स रादर देन 10 डेसिमल डिजिट्स। सिंपलर इंटरनल सर्किट डिजाइन, लेस एक्सपेंसिव, मोर रिलायबल सर्किट्स, अरिथमेटिक रूल्स स्लैश प्रोसेस पॉसिबल विद बाइनरी नंबर्स। तो
इसलिए बाइनरी अरिथमेटिक को हम जो है वो यूज करते हैं कंप्यूटर में, ताकि जो हार्डवेयर है वो 0-1 को अंडरस्टैंड करता है, तो हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपरली सॉल्व हो सके। उसके बाइनरी अरिथमेटिक में हम देखते हैं बाइनरी एडिशन है, रूल इसके लिए क्या, रूल फॉर बाइनरी एडिशन इज एज फॉलोज, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस कैरी ऑफ 1 टू नेक्स्ट हायर कॉलम। तो अब हम देखते हैं कि इसको एग्जांपल के साथ कैसे करेंगे। एड बाइनरी नंबर्स 10011 एंड 1001 इन बोथ डेसिमल एंड बाइनरी फॉर्म। तो ये बड़े इजी मेथड के साथ आपको समझाया जाएगा, आपने ध्यान से देखना है इसको। ये देखेंगे हमारे पास नंबर दिए गए हैं 10011 जिसको सम करना है 1001 के साथ। तो रूल्स हमने पहले पढ़े हुए हैं, उन रूल्स के मुताबिक अगर हम देखें कि 1 प्लस 1 करें तो हमारे पास 0 आएगा और हमारे पास क्या होगा, कैरी ऑफ 1 टू नेक्स्ट हायर कॉल। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 प्लस 1 करेंगे ये 0 आ जाएगा और 1 जो है वो हमने कैरी कर दिया, तो कैरी वाले को मैंने डिफरेंट कलर के साथ शेडेड किया। 1 प्लस 1, अब फर्दर फिर ये 1 प्लस 1 है, उसके नीचे भी 0 रहता है, तो इस 1 प्लस 1 को अगर हम करें तो क्या आंसर आएगा, 0। ये मैंने हाईलाइट किया है कि 1 प्लस 1 को सम करें तो आंसर क्या आ गया, 0, और साथ ही 1 उसका, इस 0 का 1 जो है वो इधर नेक्स्ट हायर कॉलम पे कैरी कर गया। अब जो आंसर आया था ये 0, ये ब्लू वाला शेड आप देख सकते हैं, ब्लू और ग्रीन वाला, 0 और ये 0, क्या आंसर आएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और यहां पर जाके नेक्स्ट पे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, और ये वाला जो 1 है इस 0 के साथ सम करेगा तो नेक्स्ट 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये 0 है और ये 1 है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 एज इट इज है तो वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये इसका आंसर एडिशन के अंदर इस तरीके से इसको जो है वो सॉल्व किया जाएगा। आई होप के आप सबको इस तरह से वन बाय वन समझ आ गई होगी, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी एडिशन की एक और एग्जांपल है, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसको देखिए। यहां पर ये देखें, यहां पर भी ऐसे ही है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 1 कैरी कर जाएगा, 1 प्लस 1, 0 और 1 कैरी किया है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और 1 यहां पर अगर एक और 1 ऐड कर दे तो फिर क्या होगा, 1 प्लस 1 0 और 1 इसका कैरी किया तो ये एज इट इज यहां पर मूव होगा, तो ये इसका 1 आ जाएगा और ये इसका आंसर क्या होगा, 1 0 1 1 0 0। तो इसलिए आप इसको जिस भी मरहले पर ये करेंगे, जहां पर उसकी वैल्यूज आती है, कैरी आपने नेक्स्ट कॉलम के ऊपर कर देना है और वहां पर उसकी जो आंसर आएगा, जैसे ब्लू वाला मैंने शेडेड बताया, इस आंसर को उस एक्चुअल वैल्यू के साथ फिर सम करेंगे और जो आंसर आएगा वो फाइनल उस कॉलम का वो आंसर आप दिखे। इस तरह हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी सब्ट्रैक्शन। रूल्स फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज एज फॉलो, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 0 - 1 इज इक्वल टू 1 विच बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम, 3 1 - 0 इज इक्वल टू 1, 4 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने देखना है जी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक नंबर है 0 1 1 1 0, और एक नंबर है हमारे पास 1 0 1 0 1। हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 1 0 1 0 1 - 0 1 1 1 0। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, 1 - 0 वेरी सिंपल, यहां पर आ जाएगा 1। यहां पर प्रॉब्लम करेगा जब 0 - 1 करना है, तो ये क्या करेगा, बोरो करेगा एक नेक्स्ट कॉलम से। तो हम देखते हैं यहां पर कुछ प्रोसीजर, 0 - 1 किया है, जब उसने 0 - 1 किया तो नहीं हो सकता, तो लिहाजा उसने क्या किया, बोरो करना है 1 नेक्स्ट कॉलम से, तो उसने इस वाले 1 को बोरो किया, साथ इसको काट दिया कि ये अब खत्म, यहां से हो गया ये बोरो हो गया। अब जब हम 1 बोरो करते हैं तो ये एक्चुअली क्या बन जाए ना, 1 0, ये एक्चुअली क्या बन रहा है, 1 0। और हमने शॉर्टकट मेथड को अगर देखें तो यहां पर
ये इसकी वैल्यू जीरो रह जाती है। ये जो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे ही ये इसने बोरो किया है, दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 0 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 1 हम बोरो करेंगे, तो जैसे ये बोरो किया है तो ये 1 इधर चला गया और यहाँ पर रिमाइंडर क्या रह गया, 0। तो ये 1 कट के ये वैल्यू 0 हो गई थी। अब ये 1 0 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए 1 0 अगर ऐसे लिखे और राइटर से 1 और 2 को लिखें तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या इसकी वैल्यू होगी, 2, क्योंकि शॉर्टकट मेथड हमने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये 1 और 0 आपने एज इट इज प्लेस किया तो ये किस बिट की वैल्यू बनती है, 2 की। बाइनरी के अंदर है इसकी बेस मैक्सिमम क्या है हमारे पास, 2। तो यहाँ पर बेसिकली जब आप बारो करते हैं 1 तो वो 1 नहीं होता एक्चुअली, वो 2 हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, 2, तो 2 माइनस 1, अब आपके पास ये 2 है और ये 1 है। तो अब आप ये देखें जैसे ही यहां पर 0 आया तो ये आपके पास 1 और 0 बन गया। तो यहां पर 1 की वैल्यू क्या, 2, तो आपने बारो जब 1 करना है तो 1 0 इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और ये 2 अब इसमें से माइनस हो, क्योंकि ये 0 तो सॉल्व हो गया जैसे इसने बारो किया था। अब यहां पर ये 2 जो है इस लास्ट वाले 1 से माइनस करेंगे तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 1। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 0 है और ये 1 है, तो फिर हमें बारो करना पड़ेगा, ये 0 और ये 1, तो माइनस नहीं हो सकता है, लिहाजा यहां पर मूव करेंगे। इधर मूव किया है तो यहां पर भी 0 है, ये कुछ नहीं दे सकता, ये अब इधर से बारो करेगा, ये वाला 0 इधर से बारो करेगा, तो ये 0 इधर गया। अब जब यहां से इसने बारो किया है तो ये 1 कट गया और इधर आ गया, और यहां पर क्या बाकी बच गया, 0, और ये 1 0 किसके इक्वल है, 2 के। और अब हमने एक्चुअल प्लेस यहां तक लेके आना है, अब इस 2 में से एक हम इधर बारो कर दें तो यहां पर क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये फिर 1 0 है तो ये भी ये 1 रह जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, ये थोड़ा सा प्रोसीजर देखें आप ध्यान के साथ, कि जब यहां पर ये 0 है, इसने बारो किया इधर से, यहां पर भी 0 है, फिर ये मूव कर गया इधर, अब जब ये यहां से बारो करेगा तो ये 1 इधर आ गया और यहां पर ये कट गया, तो इसके क्या बाकी बच गया, 0। अब ये 1 0 किसके इक्वल है, 2 के, ये 2 आ गया। अब यहां पर इस 0 को 1 चाहिए, अब ये 1 इधर करेगा बारो तो इधर मीनिंग क्या बचेगा, ये बारो इधर कर दिया और यहां पर एक 1 बच गया, ये 1 0 किसके इक्वल है, 2 के, तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब ये 2 जो है इस 1 में से माइनस किया तो ये हमारे पास 1 आएगा, ये 1 है और ये 1 है, इस 1 को इस 1 में से माइनस करें क्योंकि ये 0 तो सॉल्व हो चुका है ना इसने जो बारो किया है, इसलिए ये 1 में से 1 को माइनस किया तो ये 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है 0 को 0 में से माइनस करें तो क्या आएगा, 0। तो आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, जिसको आप कहते हैं कि ये हमारे पास माइनस करने के बाद बाइनरी नंबर्स के अंदर 0 0 1 1 1 आंसर आ गया। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये मल्टीप्लीकेशन टेबल, फॉर मल्टीप्लीकेशन इज एज फॉलो, 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बाइनरी अरिथमेटिक में और एडिशन के अंदर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, कि अगर आपके पास ये जो वैल्यूज हैं आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं ठीक, तो आप इसको क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज दी गई हैं इस वैल्यूज को आप देखें, ये हमारे पास जो वैल्यूज थी ये एक्चुअली वैल्यूज क्या थी हमारे पास, 1 0 1 0 1, इसके शॉर्टकट अगर आप यूज करें, 1 2 4 8 16, 1 2 4, 1 प्लस 4 कितना बन जाएगा, 5, और ये 16 है तो 16 प्लस 5 21, ये हमारे पास इजिकल टू 21 आ जाएगा। इस 0 ये 2 4 8, तो ये आपके पास आएगा 2 4 8, क्या आंसर आएगा, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 14, तो 21 माइनस 14 करें तो अब आप देखेंगे ये जो इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर आया कि
क्या ये उसके इक्वल है, ये 7 के इक्वल है। तो आप 21 में से 14 को माइनस कर दें तो इज इक्वल टू 7 बनता है, लिहाजा आपका ये जो सब्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल ठीक हुई है। इसी तरह इसे आप ये मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे, रूल्स ये हैं, और उसके बाद आप ये इजी है, देखिए मल्टीप्लीकेशन 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0, फिर आप ये 1 लेंगे, नेक्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम से फिर 3 थर्ड डिजिट्स को लेंगे, जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन हम करते हैं वैसे ही। उसके बाद फिर फोर्थ वाले को लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट आप इसको जो है सम अप करेंगे, अब ये आप इसको सम करेंगे, तो सम के प्रोसीजर को आपने इजीली अंडरस्टैंड किया हुआ है, आप इसको ट्राई करें खुद, उसके बाद हम इसको देखते हैं। जी आपने इसको ट्राई किया होगा, तो अब ये देखें इसका आंसर जो है 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 0 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 0 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 एज इट। तो इस तरीके से आप ये बाइनरी मल्टीप्लीकेशन को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे बाइनरी अरिथमेटिक भी कंप्लीट हुआ, बाइनरी नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट किया है। इसमें कोई आपको क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आए, तो आप उसकी क्यूरी कर सकते हैं और आपको इजी वे के साथ कोशिश की जाएगी कि समझा दिया जाए। थैंक यू सो मच।